दक्षिणी हिंद महासागर में लहरों और तूफानों के बीच रेस्क्यू किए गए नौसेना के कमांडर अभिलेश टॉमी भारत लौट आए हैं। कमांडर अभिलेश एम्स्टर्डम में गहन चिकित्सा निगरानी में थे। उन्हें INS सतपुड़ा से विशाखापट्टनम लाया गया। एडमिरल करमवीर सिंह ने कमांडर टॉमी से उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बातचीत की। गौरतलब है कि कमांडर अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिस रेस में बिना किसी आधुनिक नेविगेशन उपकरणों के सोलो रेस लगाना होता है। 21 सितंबर को उनकी नाव थुरिया उस वक्त क्षतिग्रस्त हो गई थी जब दक्षिण हिंद महासागर में तूफान के चपेट में आ गई थी। कमांडर टॉमी को पीठ में चोट लगी थी और उन्हें रेस से बाहर होना पड़ा था। उनके चोटिल होने की सूचना मिलने के बाद राहत अभियान चलाया गया और ऑस्ट्रेलिया रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ने भारतीय नौसेना के साथ इसमें हिस्सा लिया था। भारतीय नौसेना ने टॉमी को बचाने के लिए ऑपरेशन रक्षम लॉन्च किया था। आखिरकार 24 सितंबर को जहाज ओरिसिस थुरिया के करीब पहुंचा और टॉमी को सुरक्षित बचा लिया गया। इस अभियान के दौरान कमांडर अभिलाष को पानी की कमी से भी जूझना पड़ा था। सेना में कमांडर होने के अलावा अभिलेश रेकॉन पायलट और नाविक भी हैं। उन्होंने अकेले समुद्र मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है। वह कीर्ति चक्र से सम्मानित है और दुनिया भर के कई संस्थानों में मोटिवेशनल व्याख्यान भी देते हैं।